बहुत लंबा नहीं है, बस छोटा है, शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो ही समझिए। बस उसमें इतना है कि इतना ही कहना चाह रही थी कि मैं मतलब जो बड़ा बच्चा होता है उससे जो और जो छोटा बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है मतलब, तो बड़े एक से छोटा बच्चा ना काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाता है जो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब मुझे नहीं पड़ती है। जो प्रांकी है ना उसको कभी कुछ सिखाती रहती है, बुक्स जो प्रांकी की पुरानी बुक्स रखी हैं जो मैंने उसके लिए खरीदी थी, उसी से वो उसको काफ़ी कुछ सिखा देती है। जैसे बॉडी पार्ट्स नेम उसको फुल उससे पूछो ना तो वो बता देता है, अभी वो 2 साल का है, वो सब चीज़ें बता देता है। जैसे बुक्स में पूछते हैं कि मैंगो, ऑरेंज, ये सब मतलब फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, काफ़ी कुछ वो बता देता है आराम से। और बॉडी पार्ट्स नेम है, ये सब चीज़ें भी बता देता है। तो उसके लिए मतलब मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती उसको सिखाने के लिए, आगे करनी पड़ेगी जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, अभी स्कूल स्टार्ट नहीं किया है उसका। लेकिन हाँ, अभी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रांकी ने उसको ऑलरेडी सिखा दी है, क्योंकि उसको ना वो रोज लेके बैठती है, मतलब उससे ए बी सी डी बुलवाती रहती है, कभी कुछ करती रहती है, उससे पूछती रहती है वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर ये, वेयर इज योर ये, वो मतलब सारे पार्ट्स पूछती रहती है। तो उसको ना वो पूछती है तो वो बता रहता रहता है, ये दिस 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 सब चीज़ें बताता रहता है। वो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगी अभी आगे। तो ये चीज़ बड़ी ठीक है कि मुझको अभी उसको स्टार्टिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अभी उससे वो एबीसीडी बुलवाती है, 1 2 3 बोलती है, कहता अपनी मर्जी की है, वो बहुत उससे कोशिश करती है कि उसको 1 2 3 सिखाए मतलब, तो कोशिश करती है और रोज उसे बुलवाती भी है, सिखाती भी है उसे। और एक उसने स्लेट ली हुई थी मैंने प्रांकी के लिए, जिस जो चौक से लिखती है, तो उस पर वो भूत ऊत बनाता रहता है, पता नहीं कुछ किसके भी किसी के राउंड राउंड कर देगा और बोलेगा भूतू, बोलेगा ये वो बनाए हैं, कभी कुछ बनाया है, ऐसे बोलता रहता है। तो काफ़ी कुछ उसने सिखा चुका है जो कि आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये बड़ा सही है, प्रांकी बड़ी हेल्प कर रही है मेरी, मुझे ही लग रहा है कि हाँ मेरी हेल्प है, क्योंकि मुझे इतना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही अभी। जब इस आ गए तुम, मैं तुम्हारी बात कर रही थी पता है, ये ढोलू की बात कर रही थी मैं, क्रियांश की है ना, आओ मन कर दोगे, ओके कर दो बाय। थोड़ी देर बाय, हाँ ठीक बाय कर दो, ठीक है बाय। थोड़ी देर अगर डोर क्लोज कर लो ना तो तुरंत भागे आता है, पता नहीं क्या इसको पता चल जाता है कि डोर बंद है, तुरंत आके खोलता है और तुरंत हाय बाय करता रहता है, फिर बहुत देर तक यही उसका मतलब खेल हो जाता है। आ गए तुम बोलो हेलो, पहले हेलो बोलो, हाय बाय हाय बाय यही चलता रहता है। तो चलिए आप इसकी आगे की वीडियो देखिए जो प्रांकी से पूछ रही है कि वेयर इज योर नोज, वेयर इज, तुम्हारा तो यही खेल हो गया है। तो आप आगे की वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए, हाय बाय ठीक है बाय, कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। प्रांकी पूरा दिन में उसे पता नहीं कितनी बार सिखाती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर की जाए ये बात। तो आप देखिए आगे की वीडियो, अभी इसको बहुत मस्ती चढ़ रही है, ये मुझे वीडियो शूट करने नहीं देगा बार बार, हाय बाय, हाँ ठीक है ओके बाय, ठीक है जाओ। तो अभी आज की वीडियो इतनी ही, आप आगे की वीडियो देखिएगा मेरी तरफ से बाय, वो वीडियो देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसको सब कुछ आता है या नहीं। चलिए देखिएगा वीडियो। अच्छा बोलना बाय, एक बार बाय बोलो, बाय पहले बाय बोलो, पहले बाय बोलो बाय। इतनी लंबी निकाल के दिखा दी, हाँ गुड बॉय। Where is your ears?
Where is your hand? Where is your fingers? Yes. Where is your legs? Legs. Yes. Where is your tummy? Tummy. Where is your tummy? Stomach. अच्छा नी बताओ नी गुड बॉय अब टमी बता दो टमी बताओ कम वेयर इज दिखाओ कहाँ है आपको टमी अरे वाह इतना सब पता है तुमको दीदी ने सिखाया आपको अच्छा ओके बस अब नहीं बताओगे अब नहीं बताओगे क्रियांश ऊपर जाओगे छत पे खेलने ठीक है अभी चलेंगे गुड बॉय।